व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आइए वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। बात की जा रही है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के बारे में, जो कि हर साल 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि अगर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है माइग्रेट होके अपने एरिया को छोड़कर, तो कई सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ती है। वहां पर लोग उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसके अलावा उसके कोई राइट का वहां पर ध्यान नहीं रखा जाता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसे उदाहरण ले सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट देता है, आप लोग ये खुद देख सकते हैं। कई बार अगर हमारी कंट्री में किसी पर्टिकुलर एरिया से, जिस तरीके से बहुत दिनों पहले आप लोगों ने यहां पर सुना होगा, अभी न्यूज में था कुछ दिनों पहले भी, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से या फिर आप लोग बोलिए यूपी और बिहार से कोई लोग अगर महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वहां पर एक तरीके से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसी न्यूज कई बार निकल के आती थी। तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जा रहा है तो उसके बारे में ध्यान रखा जाए, उसके राइट का ध्यान रखा जाए, इक्वलिटी बेस पर वहां पर उसको देखा जाए, एक तरीके से उसके फंडामेंटल राइट का कोई हनन ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए यहां पर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यहां पर ये जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, ये अलग अलग गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को, सबको एक तरीके से यहां पर अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, ताकि जो एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं उनके यहां पर ह्यूमन राइट और इसके साथ में फंडामेंटल राइट और उनकी फ्रीडम का भी ध्यान रखा जाए। यानी कि जिस तरीके से वो अपने एरिया में रह रहे थे बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस एरिया में गए हैं उस एरिया में भी वो रह सके, कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस न करनी पड़े। तो इंपॉर्टेंट डे है, इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। खासकर रोहिंग्या वाला इशू जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें और भी कई सारी बातें आप लोगों के सामने निकल कर आती है, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी आप लोगों के सामने एक छोटा सा टेस्ट या फिर छोटा सा रिवीजन आप लोग इसको बोल सकते हैं। और देखिए, कल हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर डिस्कस किया था, आधा पोर्शन बचा हुआ है, आधा पोर्शन आज आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। उसमें आप लोग करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आता हूं इससे बाहर नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं करंट अफेयर के लिए मैं आप लोगों की गारंटी ले सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। आप लोग 99% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, 1% तो देखिए उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेता, पर हाँ आप लोग इतना कॉन्फिडेंट जरूर फील करेंगे कि हाँ आप लोग कभी ये नहीं लगेगा कि हाँ ये चीज मैंने देखी नहीं है या पढ़ी नहीं है, हर एक क्वेश्चन में आप लोग कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोग एलिमिनेशन मेथड लगाकर वहां पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करके ले जाएंगे। जैसा कि मैंने करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन, मुझे नहीं लगा कि कोई एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा वहां पर जो मैंने आप लोगों को नया पढ़ाया हो, इवन जो बिहार के अंदर का क्वेश्चन था, लोकल क्वेश्चन था, वे भी सारे पूछे गए जो कि हम लोगों ने कवर किए थे। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, यानी कि जो सेट किया गया है यहाँ पर रैनो मैगजीन, वो बिल्कुल ऐसे ही सेट किया गया है। और इसके अलावा अगर द हिंदू की बात करें, उसमें भी आप लोगों को सारी चीजें कवर की जाती है, जिस तरीके से अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप लोग अगर दोनों वीडियो को प्रॉपर में फॉलो करके चल रहे हैं, और बाकी जो क्वेश्चन की वीडियो आ रही थी उसको भी आप लोग देखेगा, आगे आने वाले टाइम में उसको स्टार्ट करूंगा, तो ये सारा पैकेज आप लोगों के लिए इस तरीके से बनाया गया है ताकि आप लोग कोई भी प्रॉब्लम फेस न करें किसी भी एग्जाम में, और ये आप लोग फील भी कर रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बात क्या की जा रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर अभी कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट की गई थी? कम्युनिटी रेडियो का मतलब होता है जिस एरिया की में ये स्टार्ट की जाती है, पर्टिकुलर एरिया में जो भी इश्यूज रहते हैं उनको डिस्कस किया जाता है, उस यूनिवर्सिटी का आप लोगों को नाम बताना है। बात की जा रही है यहां पर, अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहां पर जो कि डिस्कवर किए ब्रोंज एज के टाइम के खंडर, यहां पर वो कौन सी कंट्री से डिस्कवर किए गए हैं, ये आप लोगों को बताया गया था। बांग्लादेश के साथ में अभी साइन डील की है यहां पर, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कैश ट्रांसफर की स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए बांग्लादेश में। इंडिया ने किसके साथ में मिलकर अभी ज्वाइंट डिक्लेरेशन किया है, यहाँ जो ये ज्वाइंट यहाँ पर विनर रही है यहाँ पर एशियन चैंपियन ट्रॉफी। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला भी था और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि एक ऐसी कंट्री यहाँ पर जो आप लोग जानेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है काफी। यहाँ पर बात की जा रही है विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में, तो कौन सी पर्सनैलिटी है जिनसे रिलेटेड यहाँ पर ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है यहाँ पर, यहाँ देखिए कई बार आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर ये पर्सनालिटी का नाम हो गया, कई बार पूछ लेंगे कि ये अवार्ड किसको मिला है, कई बार पूछ लेंगे इनको कौन सा अवार्ड मिला है, इसके अलावा पूछ लेंगे किस फील्ड में मिला है, तो एक ही क्वेश्चन में से तीन तीन क्वेश्चन आप लोग के निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप लोग देखिए, यहाँ पर यह है फैली एस निरिमन, तो इनको यहाँ पर अभी ऑनर दिया गया, एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है यहाँ पर 19th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। तो किस फील्ड में ये अवार्ड दिया गया है, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। ब्रिटेन ने अभी यहाँ पर फाइन लगा है £5,00,000 का, तो कौन सी कंपनी के ऊपर लगा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एडजर्न की है हियरिंग जो कि यहां पर अयोध्या केस की चल रही थी, तो आगे यहां पर कब इसको पोस्टपोन किया है कि तब से यहां पर स्टार्ट किया जाएगा, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। बात की जा रही है ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी MOU साइन किया है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, कल्चर और एजुकेशनल
कोऑपरेशन के लिए, तो वो हमारी कंट्री है, कौन से राज्य के साथ में साइन किया गया है। तो यह टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने 9 क्वेश्चन, तो इनका आंसर दीजिएगा अच्छे से। आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं यहाँ पर इनसे रिलेटेड, ताकि आप लोग इनको अच्छे से याद रख सकें। तो पहली जो बात की जा रही है यह है जेएनयू, जेएनयू के द्वारा यहाँ पर कम्युनिटी रेडियो की बात की गई है। दूसरी जो बात की जा रही है यहाँ पर, यह चाइना में आप लोगों को देखने को मिले खंडर जो कि डिस्कवर किए गए ब्रॉन्ज एज के टाइम के। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ में यह है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बोला था क्योंकि इंडिया के साथ में पाकिस्तान है यहाँ पर, जिसकी हम लोगों ने बात की थी, यहाँ पर डिक्लेयर किया था ज्वाइंट विनर एशियन चैंपियन ट्रॉफी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। विजिलेंस अवेयरनेस जो वीक है यहाँ पर, ये सेलिब्रेट किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है यहाँ पर, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी से यहाँ पर रिलेटेड है यहाँ पर, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। जो यहाँ पर इनको जो अवार्ड दिया गया, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस अवार्ड है यहाँ पर, जो कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर इनकी पर्सनैलिटी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, जैसे मैंने तीनों तरीके से आप लोगों को बताया तो आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो फेली एस निरीमन, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ब्रिटेन ने अभी फाइन लगाया यहाँ पर फेसबुक पर, जो कि काफी प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं। फेसबुक जब से लेकर यहाँ पर यूएसए में इलेक्शन हुए तब से लेकर फेसबुक के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या केस की हियरिंग बोली वो जनवरी 2019 के लिए बोली, क्योंकि देखिए ये अयोध्या वर्डिक्ट जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है जनरल इलेक्शन पे भी। तो सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है जो भी यहाँ पर डिसीजन निकल कर आए वो जनरल इलेक्शन के बाद में आए, इसलिए यहाँ पर पोस्टपोन किया गया। और यहाँ पर पोस्टपोन करने के टाइम पर कोई डेट भी डिफाइन नहीं की गई कि किस तरीके से यहाँ पर कब इसकी हियरिंग स्टार्ट की जाएगी। तो कोशिश यही है कि आगे फिर से इसको पोस्टपोन किया जाए ताकि जनरल इलेक्शन निकल जाए, बाकी और सब देखने को मिलेगा। ये जो ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने एमओयू साइन किया गया था यहाँ पर कल्चर और एजुकेशनल कॉर्पोरेशन में अरुणाचल प्रदेश के साथ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है और नॉर्थ ईस्ट से नॉर्मली कोई इस तरीके कनेक्टिविटी होती है तो क्वेश्चन आप लोगों का बन ही जाता है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। आइए अब नजर डालते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, जिनसे डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो पहली बात यहाँ पर की जा रही है, ये की जा रही है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हमारी कंट्री में देखने को मिल रहा था, कहां पर, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। अब जो विनर निकल कर आया वो है बेल्जियम, बेल्जियम ने हराया है किसको, नीदरलैंड को, जिसको आप लोग हॉलैंड भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कहां पर हो रहा था, इंडिया में हो रहा था, कौन से राज्य में हो रहा था, उड़ीसा में हो रहा था, हराया किसको यहां पर, नीदरलैंड को, जीता कौन है, बेल्जियम। 2018 का क्या था ये वर्ल्ड, यह था हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है ना, मेंस का, वो भी ये याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, मेन की जगह वुमेन दे देगा तो भी आप लोगों का क्वेश्चन गलत कराया जा सकता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज यहाँ पर है, बहुत बड़ी रस्साकसी के बाद में यहाँ पर रनिल विक्रम सिंघे फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, और जो मैत्रीपाला सिरिसेना है वो प्रेसिडेंट है यहाँ पर, और इसके अलावा महिंद्र राजपक्षे जो थे उन्हें रिजिग्नेशन दे दिया है अपना, यानी कि पोस्ट छोड़ दिए, और इंडिया ने वेलकम किया है यहाँ पर इस डिसीजन का। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैंने कल जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे थे, पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों से पूछी जा रही है, यहां तक कि यूपीएससी में भी, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, ओके। तो ये बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है वतन को जानो प्रोग्राम। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत यहां पर हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो अभी उन्होंने इंटरेक्शन किया यहां पर जम्मू कश्मीर में बच्चों के साथ में, ताकि अपनी कंट्री के बारे में और ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो होम मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया ये प्रोग्राम है, जिससे कि जो यूथ है हमारी कंट्री के उनको खासकर इसके बारे में बताया जा सके, खासकर जम्मू और कश्मीर में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात की गई और अदर पार्ट के साथ में कंट्री की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की जाती है पर्टिकुलर एरिया की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वतन को जानो होम मिनिस्ट्री के द्वारा राजनाथ सिंह जी हैं यहां पर जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज कराया गया। नेक्स्ट बात की जा रही है रफ्तार, रफ्तार बाइक यहां पर ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, ये चलाई जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के द्वारा अगर कोई यहां पर क्राइम होता है वुमेन के खिलाफ, तो उसको यहां पर एक तरीके से डिटरेंस क्रिएट करने के लिए यहां पर ये इस तरीके से जो बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइक लेकर यहां पर चलते हैं और पेट्रोलिंग करते हैं गलियों में, मोहल्लों में, ताकि यहां पर जो लोग हैं कोई भी उल्टी सीधी हरकतें न करें, खासकर क्राइम जो है वुमेन के रिलेटेड यहां पर वो कम हो जाए। तो क्वेश्चन ये बन सकता है डायरेक्ट कि कौन सी यूनियन टेरिटरी में यहां पर जो पुलिस है वो रफ्तार इस तरीके की बाइक पेट्रोलिंग प्रोग्राम चला रही है, तो वो है हमारी यूनियन टेरिटरी, यानी कि हमारी कैपिटल दिल्ली, ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू के द्वारा यहां पर कार की रैली निकाली गई यहां पर पार्लियामेंटेरियन के लिए न्यू दिल्ली में। तो पर्पज क्या था यहां पर, पर्पज ये था कि अवेयरनेस फैलाने के लिए जो रोड सेफ्टी होती है उसके बारे में रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हम लोग रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग नहीं करेंगे तो अपनी तो जान देते ही देते हैं, जो रोड पर और भी जो लोग चल रहे हैं उनकी भी जान ले लेते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये यहां पर एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा यहां पर इसको फ्लैग ऑफ किया गया इसको, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा।
नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये यहाँ पर निकल कर आ रही है, छत्तीसगढ़ के बन गए हैं नए चीफ मिनिस्टर। 5 राज्यों में भी आप लोगों को इलेक्शन देखने को मिले, कौन कौन से राज्य थे? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। तो सबके मैंने आप लोगों को बता दिए थे, अभी यहाँ पर बच गए थे ये नए जो निकल कर आए हैं, ये है भूपेश बघेल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के नए चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पर, जो ये ओथ लेने वाले हैं 17 दिसंबर को, यानी कि आज ओथ लेंगे ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप बात की जा रही है पीवी सिंधु के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। आप इन्होंने अपना बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनल का खिताब यहां पर जीत लिया है गोंगचाऊ चाइना में। ठीक है, हराया किसको है? यह है नोजोमी ओकोहारा, तो जापान की प्लेयर है जिनको इनके द्वारा हराया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों, क्योंकि अब तक के यहाँ पर ये 6 फाइनल में पहुंची थी, वो 6 में से अभी यहाँ पर इनका जीता गया है 2018 में। तो ये आप लोग देखते हैं, काफी हिम्मत और मेहनत की बात आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कहां पर हो रहा था, ये चाइना में हो रहा था, हराया किसको है वो नाम, और इसके अलावा पीवी सिंधु ने यहाँ पर ये जीता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। आगे बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर सीवेज प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, यानी कि जो भी यहाँ पर गंदगी होती है उसको कैसे साफ किया जाए, उसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये बात की गई, ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर 1 City 1 Operator। ठीक है, तो ये इसके लिए स्टार्ट किया गया, कहां पर? खासकर ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में यहाँ पर ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई, कहां पर? जहां पर आप लोग देखते हैं बात की जा रही है कुंभ के मेले की, तो ताकि वहां पर कोई भी ऐसी गंदगी न बने उसको यहाँ पर क्लियर रखा जा सके, उसके तहत यहाँ पर ये देखने को मिला 1 City 1 Operator। तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है 1 City 1 Operator किससे कनेक्टेड है और इसका क्या मतलब है, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को जरूर होना चाहिए। आगे चलता हूं, आगे बात की जा रही है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर, यह है श्रीपद यशो नायक, और इसके अलावा यहाँ पर यह है कौन, जितेंद्र सिंह। तो इनके द्वारा यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट यहाँ पर IHAMP ये देखने को मिला, कहां पर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग जम्मू और कश्मीर में देखने को मिला। पर्टिकुलर लोकेशन अगर याद न रखे तो स्टेट का नाम जरूर याद रखेगा, क्योंकि कई तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम लोगों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में देखा था, तो ग्रामीण स्वच्छता रैंकिंग की जब बात की जा रही थी, तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट कहां का था, वो डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र का। कौन सा डिस्ट्रिक्ट था बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और जबकि स्टेट नहीं पूछा गया, स्टेट भी पूछा जा सकता था। तो स्वच्छता जो ग्रामीण रैंकिंग की वहां पर बात की गई, कौन सा राज्य था वहां पर जिसने टॉप किया, और राज्य कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट था, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर कई बार पूछ लिए जा रहे हैं। यूनियन रेलवे जहां पर मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उन्होंने इंडिया की फर्स्ट ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं जब यहां पर इसके बारे में बात की गई थी, और ये कल भी आप लोगों को बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में भी देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो ये यहां पर कहां पर है, ये रेलवे यूनिवर्सिटी कहां पर, वडोदरा, कहां पर है ये, गुजरात में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों के डायरेक्ट निकल जाते हैं। बात की जा रही है मालदीव के प्रेसिडेंट जिनका नाम है मोहम्मद सोलिह, जो कि हमारी कंट्री की, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हमारी कंट्री की विजिट पर आ चुके हैं 3 दिन की विजिट पर, तो देखते हैं कैसे आगे बातें बढ़ेगी। आगे बात की जा रही है कुंभ के मेले के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। कुंभ का मेला यहाँ पर इलाहाबाद में आप लोगों को देखने को मिला है, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत ये कंपेन है हमारी कंट्री का, इसके तहत हम लोग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, अपनी कंट्री की जो एक्टिविटीज है, कल्चर, खासकर ये सारी चीजें एक तरीके से हम लोग दूसरों तक पहुंचाने और सब एक साथ इकट्ठा होकर रहने की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर बात की, जो कि कुंभ के मेले की यहाँ पर बात की जा रही है, जहां पर इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में। तो ये बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चन, जो कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो यानी कि सैटरडे में आप लोगों से पूछे थे, तो उन क्वेश्चन के आंसर है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के सामने दो घटनाएं हैं, एक तो दुखद घटना है और दूसरी यहाँ पर उस दुखद घटना में से एक मोटिवेशन का सोर्स भी है। दुखद घटना क्या है कि हमारी फैमिली के एक मेंबर की जो मदर है उनका भी एक्सीडेंट हुआ, तो हॉस्पिटलाइज है। तो देखिए पूरी फैमिली आप लोग के साथ में है यहाँ पर, किसी भी तरीके से यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर कभी भी कोई ऐसी घटना होती है वो शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट किया कीजिए, क्योंकि देखिए कभी इंसान का एक दूसरे के साथ में होना जरूरी नहीं होता। सांस बढ़ाने के लिए आप लोग के जो मैसेज होते हैं, आप लोग की जो एक तरीके से बात करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो एक उससे भी बहुत बड़ा सांस मिलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आप लोगों के सारे SMS पढ़े नीचे कमेंट बॉक्स में, जो आप लोगों ने कमेंट किए थे काफी अच्छा लगा, बिल्कुल फैमिली के तरीके से हम लोग रहते हैं। तो मैं भी यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से आंटी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए और घर पर आए। और इसके साथ में मोटिवेशन मुझे ये देखने को मिला, इसके बाद भी जो यहाँ पर आंसर दिए जा रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ये डेडिकेशन है। तो इस तरीके से अगर आप लोग डेडिकेटेड होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों का सिलेक्शन होने से। तो बिल्कुल यही पैटर्न आप लोगों को, हर एक फैमिली मेंबर को
अपने अंदर लेकर आना है और कोशिश ये करनी है कि अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्ट रहना है। जितना भी आप लोगों को टाइम मिले अपनी पढ़ाई से निकाल के या फिर काम कर रहे हैं तो काम से निकाल के अपनी फैमिली से जरूर बात कीजिए। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फैमिली के बिना कुछ भी नहीं है। अगर फैमिली से ही कनेक्ट नहीं रह पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं भी कई बार देखिए कोशिश करता हूँ कि बात करता रहूँ रेगुलर, पर लेकिन इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कई बार मैं भी बात नहीं कर पाता हूँ। पर लेकिन फिर जब टाइम मिलता है मैं बात करने की कोशिश जरूर करता हूँ। तो आप लोग भी हमेशा से अपने फैमिली परिवार के साथ में बात करने की कोशिश कीजिए, कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक वो चीज है जब आप लोग सक्सेस हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को होने वाली है, यानी कि पेरेंट्स को होने वाली है। तो हमेशा उनसे आप लोग कनेक्ट रहने की कोशिश कीजिए। और एक तरीके से देखा जाए तो मुझे भी मोटिवेशन यहीं से मिलता है। जब आप लोग कमेंट पढ़ता हूं ना, एक बात बोलूं दिल से, कई बार आप लोग ये कमेंट ना दिल छू जाते हैं, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत अंदर तक टच कर जाती है। तो इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए, मैं हमेशा जितना मेरे से हो सकेगा मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा, जहां तक भी मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। बाकी आइए अब आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है प्रसार भारती के बारे में, तो इंडिया का लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है यहाँ पर, जो कि आप लोग देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आती है। इसके अलावा गठन किया गया था इसका 23 नवंबर 1997 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चेयरमैन यहाँ पर कौन है, ये है ए सूर्य प्रकाश। इसके अलावा यहाँ पर ये शशि शेखर भी हैं जो कि सीईओ हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था अमिताभ घोष के बारे में। बात की जा रही है ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में, तो यहाँ पर 54वां यानी कि 54th जो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया 2018 में, तो ये अभी देखने को मिला अमिताभ घोष को। क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया, ठीक है। तो इसके मैंने आप लोगों से किताब के नाम भी पूछा था, तो यहाँ पर देखते हैं द ग्लास पैलेस, इसके अलावा यहाँ पर सी ऑफ द पपीज, इसके अलावा यहाँ पर रिवर ऑफ द स्मोक, ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक। तो ये किताबें हैं जो मैंने आप लोगों को बोला था, कुछ यहाँ पर आप लोग जरूर याद रखेगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो 53rd यहाँ पर ज्ञानपीठ अवार्ड है उसके बारे में, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखेगा, कृष्णा सोबती, ठीक है। इनको हिंदी में मिला था और इनको इंग्लिश में मिला है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप लोग कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। ओके आगे बढ़ता हूं, आगे बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो जो फर्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, बात की जा रही है एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन की वैसे लगभग 7 मिलियन डेथ वर्ल्ड वाइड देखने को मिलती है, और इसकी वैसे हमारी कंट्री में भी बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि डेथ होती है। और इसी के साथ में जो कॉस्ट होता है एस्टिमेट लगाया जा रहा है यहाँ पर 5.11 ट्रिलियन यहाँ पर वेलफेयर लॉसेस में यहाँ पर जाता है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के हिसाब से माने जो लोग बीमार हैं, जो लोग एक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक तरीके से इकोनॉमी को उसका भी लॉस हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वैसे प्रॉब्लम हो रही है और ऊपर से ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24th आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये कहां पर है, ये पोलैंड में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो उसमें भी ये सब चीजों पर फोकस देकर चला जा रहा है कि किस तरीके से जो क्लाइमेट की वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से जो इंपैक्ट पड़ रहा है हेल्थ पर, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, इन सब बातों पर वहां पर डिस्कस किया जा रहा है। तो दोनों ही चीजें याद रखिएगा, ये डेटा ऐसा होता है जो कि आप लोग ऐसे या फिर कोई आंसर लिख रहे हैं तो वहां पर इसको यूज कर सकते हैं, बाकी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आगे बात की जा रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि है नरेंद्र मोदी जी, ये एक तरीके से बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी आप लोग इनको बोल सकते हैं, किसी भी आप लोग फील्ड में क्यों ना चले जाएं। अभी इंस्टाग्राम की बात की जा रही है, इंस्टाग्राम में अगर आप लोग देखेंगे मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर की जो सोसाइटी, जो ग्लोबल लीडर की जो यहाँ पर बात करें, तो इंस्टाग्राम पर इनके सबसे ज्यादा फॉलोवर आज के डेट में हो चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इनके अलावा जो अगर बात की जाए सेकंड नंबर पर, इनके लगभग 14.8 मिलियन है। अगर बात करें सेकंड नंबर पर, वो है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा जो को विडिडो, तो इनके यहां पर सेकंड नंबर पर फॉलोवर हैं। और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी पीछे छोड़ दिया गया इनके द्वारा, उनके वहां पर 10 मिलियन है, यानी कि तीसरे नंबर पर उनके सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं। तो ये आप लोगों को आइडिया इनका पता होना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर अगर सबसे ज्यादा लाइक होने वाली किसी पिक्चर की बात करें इंस्टाग्राम पे, तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जब शादी हुई थी तो सबसे ज्यादा लाइक जो पिक्चर की गई वो इनकी गई, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये है नरेंद्र मोदी जी से रिलेटेड पिक्चर, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा लाइक यहाँ पर की गई है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर बात करें इंस्टाग्राम की, तो जिस तरीके से मैं भी कई सारे यहाँ पर पिक्चर शेयर करता हूँ इंस्टाग्राम पे, और ये पिक्चर काफी बच्चे बोल रहे थे कि ये सर ये पिक्चर कहाँ से आ गई, एक्चुअली ये पिक्चर यार मैंने नहीं बनाई है, आप में से ही एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर ये भेजी गई थी, जो कि मैंने, आप लोग अगर कोई मुझे पिक्चर भेजते हैं तो इनको इंस्टाग्राम पे मैं डाल देता हूँ आप लोगों के नाम के साथ में जो कलाकारी आप लोगों ने की गई है। हालांकि यहाँ पर जो मेरी एक तरीके से जिस तरीके मैं इंसान हूँ उसके जस्ट अपोजिट ये बनाई गई है, यानी कि ऐसा मेरा कभी नहीं लुक रहा है और ना ही मैं कभी फ्यूचर में ऐसा लुक रखने की कोशिश करूंगा। पर हाँ, जो भी कलाकारी आप लोगों के द्वारा की गई वो चलिए अच्छी लगी मुझे और मैंने इसको शेयर किया, ठीक है, ये पिक्चर मेरी नहीं है, मतलब खींची नहीं गई है कहीं पर जो मैंने ऐसा कुछ किया है,
तो ये आप में से एक बच्चे के द्वारा बनाई गई है ऐप वगैरह का यूज करके, और मैंने इसको इंस्टाग्राम पे शेयर किया। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर पिक्चर वगैरह शेयर करता रहता हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन लगती है वो शेयर करता रहता हूँ। तो आप भी यहाँ पर दोनों ही तरीके से, यहाँ पर स्टडी लवर के नाम से भी इंस्टाग्राम पर पेज है और मेरी पर्सनल प्रोफाइल भी है इंस्टाग्राम पर, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाते हैं, तो आप लोग इन दोनों को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं फ्यूचर में कनेक्ट रहना, तो ये चीज आप लोग वहां पर भी मिल जाएंगी, लिंक वीडियो के नीचे सारे आप लोग को मिल जाएंगे। थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में। तो हमारी कंट्री और जापान के दोनों के साथ मिलकर यहाँ पर बात की जा रही है कैसे इन्वायरमेंट को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कैसे सेव किया जा सकता है। अभी आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर, ये साइन की गई थी जब हमारी कंट्री से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पर थे जापान की, तो उस टाइम पर MOU यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो उस MOU का अभी पिक्चर में लाने की बात की जा रही है। फोकस क्या था, फोकस एरिया ये था कि कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं दोनों यहाँ पर एनवायरनमेंट के फील्ड में, यानी कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पहली बात, दूसरा कैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास में है उनको इफेक्टिवली हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं दोनों कंट्री मिलकर, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लोग निकाल सकें, किस तरीके से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं एनवायरनमेंट को और अपनी बायोडायवर्सिटी को, तो उन सब चीजों पर यहाँ पर बातें की गई एक तरीके से। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया और जापान की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे बात करते हैं कि स्कीम के बारे में, तो कई बार ऐसी स्कीम्स आप लोगों से पूछी जाती है खासकर जो न्यूज में रहती है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा ये बोला गया कि जो सीनियर सिटीजन है हमारी, जो हमारी कंट्री में खासकर जो कैपिटल में रहते हैं, तो वहां पर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1000 जो सीनियर सिटीजन है उनको अगर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस पर घूमना चाहते हैं तो उसका सारा खर्चा यहाँ पर कौन उठाएगी, वो दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी। ठीक है, एज कितनी होनी चाहिए, अबव 60 यहाँ पर होनी चाहिए, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 1100 लोग यहाँ पर इकट्ठे किए जाएंगे और उसको यहाँ पर जो भी खर्चा आएगा वो दिल्ली गवर्नमेंट उठाएगी। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बात करते हैं अवार्ड के बारे में, तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले न्यूज में था, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2018 अभी यहाँ पर सुनाए गए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 24 लैंग्वेज में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी कंट्री में इंडियन लैंग्वेज में ये दिए जाते हैं। तो लगभग जो आपकी बार देखने को मिले 24 में से, यहाँ पर अगर बात करें, 7 जो दिए गए वो पोएट्री को दिए गए, 6 जो दिए गए वो नोवेल को, 6 दिए गए शॉर्ट स्टोरीज को, 3 दिए गए लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो होता है, और 2 दिए गए यहाँ पर एसे को। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर अवार्ड आप लोगों के सामने है, जो कि 2018 के 24 अवार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कुछ राइटर के नाम भी है, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है, संजीव चट्टोपाध्याय बंगाली में दिया गया, अनीस सलीम को इंग्लिश में दिया गया, शरीफा विजयवाला इनको एसे के लिए दिया गया, तो और भी कई सारे हैं, सबके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-4 के तो नाम याद रख सकते हैं आप लोग, बाकी का ये जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, क्योंकि 24 के 24 नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बात क्या करनी है, 24 लैंग्वेज में दिया जा सकता है, और ये कैटेगरी जरूर याद रख सकते हैं कि कितनों को यहाँ पर पोएट्री में मिला है, कितनों को एसे में मिला है, तो इस तरीके का आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक तरीके से मैच करने के लिए भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है, इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, ये ड्राइज डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी कि वो वाले फॉरेस्ट जो कि नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है, सर्दियों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और गर्मी आने पर फिर से पत्तियां आप लोगों को देखने को मिलती है हरी भरी, तो उनकी बात की जाती है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं ड्राइज डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, सीजनल फॉरेस्ट भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। कोमलनी यहाँ पर जो एनिमल पाए जाते हैं वो यहाँ पर लंगूर, लेपर्ड, इसके अलावा जंगल कैट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है बंगाल फॉक्स। आप लोगों से पूछा जा सकता है बंगाल फॉक्स कहाँ पर पाई जाती है, तो बंगाल में नहीं पाई जाती है, ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। कोबरा, इसके अलावा बहुत यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है ये है फ्लाइंग स्क्वायर, यानी कि जो यहाँ पर ये गिलहरी है, उड़ने वाली गिलहरी, ये क्वेश्चन आप लोगों से नॉर्मली यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये है यहाँ पर पाई जाती है नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, इस तरीके का अगर कोई स्पेशल चीज वहां पर है। बाकी यहाँ पर श्री नैना देवी टेम्पल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये भी काफी फेमस है, तो नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नैना देवी टेम्पल। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बस एरिया याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा अगर अलग से आप लोग स्पोर्ट पर थोड़ा नजर डालेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अभी देखिए कई सारी पर्सनालिटी के द्वारा रिटायरमेंट दिया गया है, तो एक तो आप लोगों को प्रवीण कुमार का नाम मैंने आप लोगों को बताया था जो फास्ट बॉलर थे, इसके अलावा गौतम गंभीर के द्वारा भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कराया गया था अपने रिटायरमेंट का, तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। एक कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं नॉर्मली कि रिसेंटली अभी किसके द्वारा यहाँ पर रिटायरमेंट लिया गया, तो लगभग 15 साल का अच्छा खासा इनका शानदार एक करियर देखने को मिला आप लोगों को, हर तरीके के मैच इनके द्वारा खेले गए, टेस्ट मैच करें, वनडे की बात करें, T20 की बात करें, काफी अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के बाद में ये 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें आप लोग देखते हैं। इसी के अलावा यहां पर बात करें वर्ल्ड T20 2007 में तब की बात करें तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी इनकी, जो कि इनके द्वारा दी गई। ठीक है, बाकी अगर बात
2011 का जो वर्ल्ड कप जीता गया था, बहुत बड़ा अच्छा रोल इनके द्वारा प्ले किया गया था एमएस धोनी के साथ मिलकर। तो ये कई सारे मोमेंट हैं जो कि आप लोग हमेशा याद रखेंगे इनसे रिलेटेड, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। बाकी लास्ट वीडियो में जो आप लोगों का टेस्ट था उसके यहाँ पर आप लोग देखते हैं, उसके आंसर आप लोगों के सामने है। बात की जा रही है यहाँ पर अशोक गहलोत के, यहाँ पर अपॉइंट किया गया था चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पर सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर। प्रसार भारती के चेयरमैन पूछा गया था तो ए सूर्य प्रकाश थे, यहाँ पर नाम याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेपाल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया था कि कौन कौन से नोट अब आगे आने वाले टाइम में यूज नहीं करने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर 60 मिलियन लोन दिया गया, किसके लिए? आसाम के लिए, खासकर जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है। जो अमिताभ घोष है इनको 54वां ये ज्ञानपीठ अवार्ड इनको दिया गया, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे जो है वो दिसंबर 18 को सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आज का टेस्ट होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले बात की जा रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। आप लोगों को यह बताना है कि फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी कंट्री में कब आई थी, किसके ड्यूरेशन में आई थी, कौन था उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर जब यहां पर फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारी कंट्री में लाई गई। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया गया। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा और जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो लेक्चर को जाकर जरूर देखिएगा, वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा, यहां पर भी जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या आज हम लोगों ने डिस्कस किया, फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, इसके बाद में उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, जो कि 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड, हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट देखकर आप लोगों के सामने यहाँ पर रिवीजन भी था और उसका आंसर भी हम लोगों ने देखा। इसके बाद में छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो हम लोगों ने डिस्कस की, यहाँ पर पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में थी। दूसरी, यहाँ पर श्रीलंका की पॉलिटिक्स के बारे में थी। तीसरी न्यूज यहाँ पर हम लोगों ने देखी जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर वतन को जानो प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा रफ्तार के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना वेंकैया नायडू जी के द्वारा कार रैली निकाली गई ताकि सेफ्टी, रोड सेफ्टी के बारे में बात की जा सके। नेक्स्ट बात की यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नए सीएम निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीवी सिंधु जी जीत चुके हैं यहाँ पर एक फाइनल, जो कि हम लोगों ने जाना चाइना में हो रहा था और हराया गया जापान की प्लेयर को। नेक्स्ट यहाँ पर देखा गया वन सिटी वन ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर बात की जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिनल प्लांट, तो इसके बारे में हम लोगों ने जाना, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। पीयूष गोयल जी के द्वारा, ये आप लोगों से मैंने बताया भी था कि ये अभी बिहार में पूछा गया जो क्वेश्चन हुआ था अभी, तो इस तरीके से याद रखेगा, ये रेलवे यूनिवर्सिटी के बारे में है। इसके अलावा यहाँ पर जाना हम लोगों ने जो मालदीव के प्रेसिडेंट है हमारी कंट्री की विजिट पर है 3 दिन की। और नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर ये बात की गई थी हम लोगों ने कुंभ के मेले के बारे में। बाकी ये थे आंसर आप लोगों के सामने जो कि आंसर दिए, और इसी तरीके से देखिए प्रे जरूर कीजिएगा कि सब जो है हंसी खुशी रहे और सब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे, किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम न रहे। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर जाना ये था एयर पोल्यूशन के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट जो जाना यहाँ पर मोस्ट फॉलोअर जो पर्सन है यहाँ पर उनके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज थी यहाँ पर इन्वायरमेंट कॉपरेशन के बारे में जापान के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर जाना मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में, और इसके अलावा हम लोगों ने जाना यहाँ पर ये है नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी बातें देखी, और इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट में एक न्यूज और पढ़ी जो कि गौतम गंभीर जी के बारे में थी और प्रवीण कुमार के बारे में आप लोगों को जानने को मिला। अब आज का टेस्ट देख लेते हैं। बात की जा रही है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में, तो जो देखने को मिला यहाँ पर किसके द्वारा जीता गया, बेल्जियम के, हराया किसको, ये बताना है। रफ्तार जो पेट्रोलिंग है ये कहां पर आप लोगों को देखने को मिली, पीवी सिंधु ने किनको हराया। इसके अलावा यहाँ पर जो बात की जा रही है इनोग्रेट करने की सीवेज प्रोजेक्ट यहाँ पर, जो कि वन सिटी वन ऑपरेटर, ये किसके द्वारा किया गया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्ड पर्सन की उपाधि में कौन से यहाँ पर सोशल मीडिया साइट पर रखा गया। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो डे है वो एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी इसके अलावा आप लोगों को जाकर रिवीजन करना है, ये जरूर रिवीजन कीजिएगा और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, सारी प्रोफाइल आप लोगों को नीचे मिल जाएगी, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है तो आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।